प्रिय मित्र भारत, कैसे हो तुम? आज फिर पूरा एक साल बीत गया ना बात किए हुए। मालूम है तुम हर छोटे बड़े त्योहार पर मुझे बहुत याद करते हो। मैं भी यहाँ से तुम्हारी खैरियत की दुआ मांगता हूँ। वैसे हर साल की तरह इस साल भी बहुत कुछ बदल गया होगा ना। वहाँ कई नई इमारतें बन गई होंगी, कितनी ही नई किताबें छप गई होंगी, कुछ नए मसले हुए होंगे, मगर मुझे एतबार है तुमने प्यार से सब सुलझा लिए होंगे। याद है पिछले बरस जब तुमने बताया था कि हम मंगल पर पहुंच गए हैं? तुम मानोगे नहीं, तब से अब तक मैं सातवें आसमान से नीचे नहीं उतरा हूं। और वो अस्पताल जिसका तुम जिक्र कर रहे थे, वो भी बन ही गया होगा ना अब तक? हाँ हाँ, ज्यादातर बातें तुम मुझे बता दोगे, पर हर साल की तरह तुम कुछ राज इस साल भी छुपा लोगे। मैं भी पागल हूं, खैर खबर पूछने में असल मुद्दा भूल ही गया। मुबारक हो दोस्त, तुम्हें और तुम्हारे सारे बाशिंदों को एक और नया साल आजादी का मुबारक हो। तुमने एक और साल तिरंगे की छांव में मुकम्मल किया। इतने सालों से कितनी सफलताओं के साथ तुम आगे बढ़ रहे होगे ना, ये बात सोचते ही मैं खुशी से फूला नहीं समाता हूं। और भी कितने खूबसूरत दिखते होगे ना अब तुम, बिल्कुल वैसे जिसका हम ख्वाब देख रहे हैं। अच्छा, ये एक बात सिर्फ हमारे बीच रखना, मुझे कल रात एक बहुत बुरा सपना आया था जिसके बाद से मेरी नींद उड़ी हुई है। मैंने देखा कि तुम्हारे वहां लोग आजकल चंद छोटी बातों के लिए एक दूसरे से लड़ बैठते हैं, और कभी कभी तो नफरत के दायरे इतने बड़े कर देते हैं कि प्यार उनमें कहीं खो जाता है। मुझे मालूम है ये सिर्फ एक बुरा सपना है ना दोस्त? क्योंकि अगर ऐसा सच में हो रहा है तो मुझे बेहद दुख होगा। याद रखना, हमने यहां बहुत कुछ गवाया है तुम्हें वहां पहुंचाने के लिए। चलो अब मुझे जाना होगा, सब आजाद हिंद के पहले तिरंगे के नीचे मेरा इंतजार कर रहे हैं। वहां सबको मेरा प्यार देना। तुम्हारा शुभचिंतक, तुम्हारा अजीज, आजादी से एक रात पहले वाला हिंदुस्तान। तारीख 14 अगस्त 1947। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom.